दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से HN 2.0 के नए सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैन और कुड का प्रयोग। दोस्तों ये प्रयोग हर एग्ज़ाम चाहे 10th 12th या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो उसमें इनके यूज़ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में कैन और कुड के प्रयोग को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को बिना डिले हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता तथा कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, और कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी पावर कैपेसिटी यानी भूतकाल की योग्यता शक्ति सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो हो बॉक्स उठा सकता है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग सिर्फ उसकी शक्ति को दर्शाने के लिए किया गया है। I could not come yesterday, मैं कल नहीं आ सका। कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यू कैन गो नाउ, यानी जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो यहाँ पे हमने उसको अनुमति के यहाँ से चले जाओ, तो यू कैन गो नाउ, यहाँ से अब चले जाओ। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर कैन का प्रयोग अनुमति देने के भाव के लिए किया गया है। तो देखते हैं अगला रूल। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त किया गया है कैन के प्रयोग के द्वारा। अगला प्रयोग है कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी यानी सुदूर संभावना, ऐसी संभावना जो दूर की हो, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, संभावना व्यक्त की गई है वो भी दूर की। तो यहाँ पे कुड के प्रयोग के द्वारा संभावना को दर्शाया गया है। अगला प्रयोग है कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है, एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। औपचारिक निवेदन यानी शिष्टाचार से संबंधित। उदाहरण की बात करें तो कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन और कुड का प्रयोग हुआ है, यानी कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन और कुड का प्रयोग शिष्टाचार संबंधी निवेदन को दर्शाने के लिए किया गया है। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एबल टू भी सामर्थ्य और शक्ति दर्शाता है और कैन और कुड भी। तो आपको ध्यान रखना है इनका प्रयोग एक सेंटेंस में एक साथ नहीं करना है। उदाहरण के लिए आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, यानी यहाँ पे कैन नॉट भी आया हुआ है और एबल टू भी आया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों का प्रयोग किया जाता है तो सेंटेंस हमारा सुपरफ्लस हो जाता है, यानी जितना चाहिए उससे अधिक, यानी उससे अधिक सामर्थ्य क्षमता दर्शाता है। सो हमारे सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेंगे, आई कैन नॉट कम टुमारो या आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब लास्ट रूल की बात करते हैं, तो निगेटिव वाक्यों में कुड तथा एबल टू में किसी एक का प्रयोग हो सकता है। यानी अगर वाक्य निगेटिव है तो या तो कुड का प्रयोग करेंगे या एबल टू का। उदाहरण के लिए द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, यानी जो हमारा डॉक्टर था वो मरीज़ को नहीं बचा सका। और इसी वाक्य को कुछ इस प्रकार भी बनाया जा सकता है, द डॉक्टर वॉज अनएबल टू सेव द पेशेंट, यानी डॉक्टर मरीज़ को बचाने में असमर्थ रहा। तो यहाँ पे दोनों का भाव एक ही है, लेकिन बनाने के तरीके में एक सेंटेंस में कुड का प्रयोग हुआ और ये दूसरे सेंटेंस में अनएबल का प्रयोग हुआ है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये यूज़ आपको समझ आए हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए HN 2.0 के साथ। धन्यवाद।